बीती रात नगर निगम के रेगुलर वाहन चालक मुश्ताक अहमद की विभागीय कार्य करते समय दुर्घटना के बाद मृत्यु हो गई। चालक के मरने की खबर सुनते ही नगर निगम विभाग और परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी। मृत चालक के घर पर नगर निगम के कर्मचारियों, अधिकारियों और मोहल्ले वालों की भीड़ जुटने लगी। शोकाकुल परिवार से मिलने रविवार को जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन और मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र चालक के आवास बख्शीपुर गए। परिवार को संतावना देते हुए उन्होंने तत्काल आर्थिक मदद के रूप में 25,000 रुपये की नगद राशि और शोकाकुल परिवार को संतावना दिया। शोकाकुल परिवार द्वारा मांग पत्र और नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के पदाधिकारियों द्वारा मृतक कर्मचारी के परिवार को तत्काल 10 लाख की आर्थिक सहायता राशि और मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत मृतक की पत्नी को अविलंब योग्यता अनुसार नौकरी देने की मांग किया गया, जिसको जिलाधिकारी ने स्वीकार करते हुए 1 हफ्ते के अंदर उचित फैसले का आश्वासन दिया। मिलनसार स्वभाव के चालक अपने पीछे पत्नी तबस्सुम जहां, एक पुत्री 9 वर्षीय महविश, 2 पुत्र आतिफ मुश्ताक और अदनान मुश्ताक 4 वर्ष को छोड़ गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अध्यक्ष चालक परिचालक संघ सुरेंद्र पांडे और जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने कहा, बहनी को बुला देना, बहनी को तरफ से 25,000 रुपये की सामने सर ये भाई है सर, भाई है सर, ये छोटे भाई है। ये बड़ी है, फिर उसके बाद ये है, उसके बाद ये छोटा से छोटा बच्चा है, भूल जाते हैं। अरे ये तो हम लोग का परिसर में याद बाबू हम है ना बेटा, एकदम रोना बेटा अभी दिखाया जा रहा है, अभी देख लेना। हमारा नाम सुनील कुमार पांडे, चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष। हमारी ये है कि 10 लाख की तत्काल हम लोगों की
कि ड्राइवर को सहायता प्राप्त की जाए, और दूसरी मांग ये है कि मृतक आश्रित को 2-3 दिन के अंदर नौकरी प्राप्त की जाए, नौकरी दी जाए। किस तरह का व्यक्ति था उनका, किस तरह का व्यक्ति था उनका? बढ़िया, उनका भाई आज कम से कम 20 साल से वो सर्विस कर रहे हैं, उनका बात व्यवहार हर चीज़ अच्छा है, और हर समय वो बेचारे उपलब्ध रहते हैं। जब भी अगर हमारे अधिकारी लोगों का आदेश होता है, चाहे देखिए अब आदेश के अनुसार वो यहाँ से 8 बजे रात को यहाँ से निकले गाड़ी लेकर, और तभी तो दुर्घटना हुई है 11 बजे। वो बस्ती के आगे हुआ है, हरैया। घटना के समय उनका, हाँ घटना के समय तो हमारे कम से कम यहाँ से 11-12 टॉयलेट गए थे, सभी ड्राइवर थे, और ड्राइवर ने सभी लोग वहाँ गाड़ी रोक कर उनको खींचे, गाड़ी में से निकाले हैं जहाँ फंसे थे पहिया के नीचे, तो पूरे ड्राइवर ही मदद किए। उसके बाद पुलिस आई है, पुलिस भी सहायता की है। ये कर्मचारी है, दुखद घटना है, तो उनका एक्सीडेंट हो गया कल, बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका परिवार भी है, ये रेगुलर कर्मचारी है, इनका परिवार का मांग के हिसाब से उनका परिवार का किसी सदस्य का नौकरी मिल जाएगा, और इनके ग्रेजुएटी इत्यादि ड्यूज जो भी है इनके गवर्नमेंट के दया बनता वो मिलता है, और सभी लोग हम लोग 1 सप्ताह के अंदर इनका जो भी मांग है वो पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे।